organic growth. साइट का है तो आज हम लोग स्नो ढूंढने निकले थे कि शायद हमें कहीं नज़र आ जाए, क्योंकि आगे हम सुन रहे हैं कि यहाँ फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर हम दोबारा नहीं जा सकेंगे। अभी भी आपको एक से दूसरे सूबे में जाने की, मतलब बगैर किसी वजह के, किसी सॉलिड रीज़न के बगैर जाने की इजाज़त तो नहीं है। बट ये हमसे 60 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जहाँ पे काफ़ी ऊंची ये यहाँ के हमारे सिटी की माउंटेन है जहाँ पे स्नो वगैरह होती है। लेकिन उससे पहले ये एक पार्क है और तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके थे। यहाँ पे भी अभी तो दिसंबर का स्टार्ट है, लेकिन जनवरी के लास्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है। और दूसरा साफ तो मिलते हैं यहाँ उस पार्क पे वाला खूबसूरत लग रहा है। तो दूर दूर तक यहाँ से मुझे तो कहीं पे भी स्नो नहीं नज़र आ रही, किसी दूर के पहाड़ों पे भी जहाँ तक हमने जाना है। लेकिन मे बी एक और यहाँ पे रास्ता है तो वहाँ से हम जाएंगे तो फिर हम ज़रूर बर्फ़ को ढूंढ लेंगे। यहाँ पे जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है तो भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। और अभी यहाँ पे बेइंतहा की ठंड है, -1 है और बिल्कुल हर चीज़ ऐसे लग रहा है फ्रीज है। मूसा का तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था आने का, वो समझ रहा था कि ये वापस मुझे घर ले जाएंगे। लेकिन हमने अपना हॉकी और कंटिन्यू रखा और फाइनली हमें स्नो मिल गई। तो यहाँ पे रात में हुई होगी या कुछ तो वो बाकी थी। और ये मूसा को मैंने कपड़े चेंज करवाए कि अगर ये यहाँ खेले। मूसा देखो बंदर आदमी, बच्चों को ठंड से बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी बिल्कुल हल्की हल्की सी स्नोफॉल थी जो शायद कैमरे में नहीं नज़र आ रही थी। मूसा चलो, इसके बाद काफ़ी तेज़ भी हो गई थी और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे और स्केटिंग और बच्चों के जो स्लाइडर्स होते हैं वो लेके आए हुए थे। और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ना ट्रिप। और जनाब अब वापसी का सफ़र था और वापसी में आते हुए मेरी सोच तो यही होती है कि आज हमने क्या खाना है, क्योंकि हम दिन में निकल आए थे, साथ कॉफ़ी और चाय रख ली थी थर्मोस में, वही पी थी। और रेस्टोरेंट आजकल बंद है तो मतलब सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हो लेकिन आप खा नहीं सकते। पता नहीं ये कोरोना कब ख़त्म होगा। तो जनाब मेरे पास मटर वाले राइस पड़े हुए थे फ्रिज में, मेरा वही इरादा था कि वही गर्म करूँगी, लेकिन उसको थोड़ा सा चटपटा करने के लिए मेरे पास कोई अचार या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मेरे पास ये अचार मसाला शान का पड़ा था तो मैंने फटाफट हरी मिर्चों का अचार बनाया था जो काफ़ी स्पाइसी था, बहुत मज़े का था। और हम लोग तो मेरे हस्बैंड स्पाइसी फूड के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। सिंपल इसको काट लिया था और थोड़ा सा रोस्ट किया था ये मसाला, और थोड़ा नमक डाला था क्योंकि इसमें नमक बहुत कम होता है क्वांटिटी में। तो मैंने हरी मिर्चों में थोड़ा नमक लगाया था और उसके बाद रोस्ट किया था और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया था। अगर लेमन नहीं है तो आप थोड़ा सा मिनिमम भी डाल सकते हो क्योंकि थोड़ा खट्टापन आता है। तो जनाब मसाला मैंने डाल दिया था और इसको मिक्स कर लिया था और फिर उसी पैन के अंदर जिसमें मैंने मसाला रोस्ट किया था मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। अगर तो सरसों का तेल है तो वो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं अवेलेबल था उस टाइम। तो मैंने कुकिंग ऑयल को इसको थोड़ा सा गर्म किया था कि इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने इस पर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की थी, उससे थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज हो जाता है ऑयल का।
इस वजह से, और नमक तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी हरी मिर्चों में, और थोड़ा सा मसाले के अंदर भी होता है, जो ये रेडीमेड शान का अचार मसाला होता है इसके अंदर भी होता है नमक। और मेरी हरी मिर्ची मेरे पास थी टोटल 4 से 5 थी, तो उनका बनाया था। और ये स्टे भी करता है ये वाला, अगर इसमें आप सिरका ऐड कर दो तो आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना के रख सकते हो। और इस तरह ये थोड़ा सा मैंने इसको वॉक करके, और लाल मिर्च देखिए ऑयल का थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा चेंज हो गया था, मतलब थोड़ा कच्चा ऑयल का वो जो टेक्सचर आया था वो नहीं था, तो इसको सिंपल मिक्स कर लिया था। और ये राइस के साथ, और स्पेशली मेरे पास तो मटर वाले पुलाव था, लेकिन ये स्पेशली दाल चावल के साथ बहुत बहुत मज़े का लगता है। और मोस्टली अगर आपके घर में इस तरह बना हुआ हो, तो आप बच्चों वाले घर में यही होता है कि हम ज़्यादा खाने में मिर्च को अवॉइड करते हैं, तो इस तरह की चीज़ अगर साथ बना ली जाए तो अच्छी लगती है। तो जनाब यही कि मेरा ब्लॉग एंड होता है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।